Thank you, Speaker Sir, for giving me the opportunity on the issue of problem of drug abuse in the country and steps taken by the government. मैं अपने देश के इस बड़े जो समस्या है ड्रग्स एब्यूज, इसके लिए मैं पहले सभी सदन के साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ। त्रिजारी बेंच के साथ ओपोजिशन बेंच के भी साथियों से अपील करना चाहता हूँ, इस विषय को कोई पॉलिटिकल फायदा के लिए कोई कुछ न बोले। देश का सामने बहुत बड़ा एक चुनौती है, इसको हम एक साथ मिलकर इस समस्या को समाधान सबको मिलकर करना है। भारत सरकार ने अपने जो इस मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के हेतु जो नीति अपनाया है, जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग एब्यूज जो नीति अपनाया है और जिसके परिणाम मादक पदार्थों की आपूर्ति में कमी आई है, इस संबंध में कुछ तथ्य आक्रम में आपके सामने रखना चाहता हूँ महोदय। 2006 से 2013 तक पूरे देश में कुल मामला 1256 रजिस्टर्ड हुए थे और 2014 से 2022 तक ये मामला बढ़कर के 3172 मामला दर्ज हुआ है, जो 152% ज्यादा है। जो कुल अरेस्ट हुए हैं ड्रग पेडलर्स ड्रग्स स्मगलर्स 2006 से 2013 तक 1363 है और 2014 से 2022 तक 4888, जो 260% जो बढ़ोतरी हुआ है। जो सेज ड्रग्स से 2006 से 2013 1.52 लाख केजी है महोदय, और 2014 से 2022 तक ये बढ़ करके 3.33 लाख केजी, जो दुगुने से भी ज्यादा है महोदय। इसका एक ही मीनिंग है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने हेतु भारत सरकार जो नीति अपनाए उसका जो परिणाम है वो परिणाम हमारे सामने है महोदय। मैं एक बहुत ही संगीन विषय, जो विषय हमारे आज युवाओं के सामने है, आज भारत युवा देश है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन 40 इयर्स के बिलो है इस देश का, लेकिन आज 20 इयर्स के बिलो जो 10 लोग ड्रग्स लेते हैं उसमें से 9 लोग 20 इयर्स के बिलो है, ये बहुत भयानक तथ्य है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस व्याधि को खत्म करने के लिए हम सब लोग एक साथ इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। दूसरा, मैं आसाम के नॉर्थ ईस्ट, आप सब लोग जानते हैं ये म्यांमार से होकर के जो ट्रांजिट रूट है, जो ड्रग्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी ड्रग्स का बहुत बड़ा उपयोग होता है, तो उसमें भी रोकथाम के लिए नॉर्थ ईस्ट में काफी सरकार ने प्रयास की, आसाम सरकार ने विशेष करके। मैं बताना चाहता हूँ जो 2021 मई से 18 दिसंबर 2022 तक जो आसाम गवर्नमेंट है, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो आसाम सरकार है, वो टोटल जो केसेस हुआ था, केसेस 4,666 रजिस्टर्ड हुआ है। अभी तक करीब 1,114 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुई और नष्ट किया गया। इसका मतलब है असम सरकार भी प्रतिबद्धता के साथ इस ड्रग्स एब्यूज के खिलाफ, ड्रग्स व्यवहार के खिलाफ बहुत कड़ी व्यवस्था ली है। मैं एक ही विषय समाप्त इस सदन के सामने में रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को जो सपने दिखाए, युवाओं को उनका शारीरिक मानसिक विकास के लिए जो कार्यक्रम हाथ में लिया है, उसको पूरे देश भर में सभी सरकारें, प्रदेश सरकारें, केंद्र सरकारें, जो केंद्र शासित प्रदेश, सब लोग एक साथ होकर के इस बैठक को खत्म करने के सब लोग एक साथ काम करें, इतना ही मेरा आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद।